हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई चमचमाती टोयोटा फॉर्च्यूनर के म्यूजिक सिस्टम के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसके म्यूजिक सिस्टम में मिलती है और कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी के बारे में एक दो बात बता देता हूं। इसके अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक 2.8 लीटर का डीजल इंजन। जो इसका पेट्रोल इंजन आएगा वो सिर्फ आपको 4x2 के अंदर अवेलेबल होगा और वो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के साथ अवेलेबल हो जाएगा। जो पेट्रोल वाला ऑटोमेटिक में आएगा वो 6 स्पीड गियरबॉक्स आएगा टॉर्क कन्वर्टर के साथ और जो मैनुअल आएगा वो 5 स्पीड गियरबॉक्स आएगा। अब इसके जो 2.8 लीटर का डीजल इंजन है वो आपको 4x2 एंड 4x4 दोनों में अवेलेबल हो जाएगा और वो आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों में अवेलेबल होगा। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के अंदर 6 स्पीड गियरबॉक्स आएगा और इसका जो टॉप एंड द लाइन वेरियंट है फॉर्च्यूनर लीजेंडर वो सिर्फ आपको टॉर्क कन्वर्टर मतलब ऑटोमेटिक के साथ ही अवेलेबल होगा और वो सिर्फ अभी इंडिया में 4x2 ही आता है। तो मैं आपको फटाफट से आपको बिना टाइम वेस्ट किए इसका म्यूजिक सिस्टम की आपको आवाज़ और सारे फीचर्स और जो इसकी MID में कंट्रोल्स हैं उन सभी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो भाई हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। अब मैं आपको फटाफट से इसका थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में बता देता हूँ। ऊपर हार्ड प्लास्टिक मिलते हैं और नीचे जैसे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेदर का वर्क मिलेगा और फॉर्च्यूनर को जैसे आप प्रेस करोगे तो आपका ग्लव बॉक्स ओपन हो जाएगा। और एक सबसे बेस्ट बात है इस गाड़ी के अंदर आपको लॉक भी मिल जाते हैं इस ग्लव बॉक्स में। जैसे आप अपना कोई इंपॉर्टेंट सामान इसके अंदर रखते हो तो वो आप सेफली इसके अंदर रख पाओगे। और जो इसकी की है वो आपको कुछ इस टाइप की ही देखने को मिलेगी। जो पुरानी फॉर्च्यूनर में भी इसी टाइप की आती थी, अब नई फॉर्च्यूनर में भी बिल्कुल सेम ही की आती है। पीछे आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिल जाएगी। भाई प्रीमियम वाइज जो की है वो आपको एक नंबर की लगने वाली है। अब जैसे आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये आपका एयर प्योरीफायर ये एसेसरीज के तौर पे लिया हुआ है, ये कोई आपको कंपनी फिटेड नहीं आता है। और जो यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर है वो सिर्फ आपको इसका लीजेंडर वेरिएंट है उसी में मिलेगा, इस वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा। जैसे आप ये वाला पार्ट देख रहे हो इसमें एक नया एड ऑन फीचर कर दिया है वेंटिलेटेड सीट्स का, पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड आप उनको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको सीधा इसके म्यूजिक सिस्टम में ले चलता हूँ। तो बिल्कुल जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और जैसे धूप में भी लेके जाओगे तो आपको बिल्कुल भी ग्लेयर फील नहीं होगी और प्रीमियमनेस भी म्यूजिक सिस्टम की और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। जो पुरानी फॉर्च्यूनर आती थी उसके अंदर आपको यहाँ पे टच टाइप के दिए होते थे, वो इतने कुछ देखने में अच्छे नहीं लगते थे, बट यहाँ पे आपको स्विचेस प्रोवाइड कर दिए और जैसे नोब्स पे देखोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्रोम का वर्क भी देखने को मिलेगा, मतलब स्टील के अंदर टाइप का देखने को मिलेगा। और जैसे आप इनको रोटेट भी करते हो ना तो आप भाई एक जो प्रीमियमनेस वाली फील है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और जो इसका इंटरफेस है वो बिल्कुल सिंपल एंड सोबर इसके अंदर मिलता है। और इसके अंदर एक ऐप के थ्रू एक नया फीचर और ऐड कर दिया, अगर आप वो ऐप डाल लेते हो मैं आपको शो कर देता हूँ। वो जैसे आप यहाँ से ऐप का बटन दबाते हो अपने जो स्मार्ट डिवाइस लिंक ऐप है उसको कनेक्ट कर लोगे टोयोटा की जो ऐप है उसमें क्या होगा आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं जैसे जियो फेंसिंग, लाइव व्हीकल ट्रैकिंग और जैसे आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, मतलब ये सारे फीचर इसके अंदर ऐप के थ्रू मिल जाते हैं। अब मैं फटाफट से आपको एक एक करके ऑप्शन बता देता हूँ। और जैसे मैंने इसके अंदर होम का बटन प्रेस किया तो इसके अंदर आपको ये बिल्कुल सिंपल सी इन्फॉर्मेशन शो करेगा। मैंने जैसे अपना फ़ोन कनेक्ट कर रखा है उसमें कार्टून ऑन एंड ऑन मतलब लगा के छोड़ रखा है तो उसमें दिखा रहा है भाई यहाँ पे आपका ये वाला गाना प्ले हो रखा है, क्रूज रेंज बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये शो करेगा। और जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे सेलेक्ट एंड होल्ड टू ऐड कॉन्टैक्ट और सीधा आप यहाँ पे 4 कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस गाड़ी के बारे में सीधे अपने भाई 4 फेवरेट कॉन्टैक्ट ऐड कर लो जैसे आईफोन के अंदर होता है फेवरेट, उसी तरीके से इसके होम बटन में आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। अब अगले स्विच की तरफ चलते हैं, अपने भाई मेन्यू का प्रेस कर दिया, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर इसका देखने को मिलेगा। ऑडियो को मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। टच का रिस्पॉन्स जैसे मैं बात करूँ तो वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है पुरानी फॉर्च्यूनर से इस फॉर्च्यूनर के अंदर। इस जैसे अब मैंने इसका ऑडियो वाला बटन प्रेस किया तो इसके अंदर आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, सोर्स नाउ प्लेइंग मतलब जो कौन सा गाना अभी चल रहा है, कनेक्ट एंड साउंड। तो सोर्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, सोर्स के अंदर AM, FM, USB, ब्लूटूथ और मिरर कास्ट आपको वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा देन ये चलता है। अब मैं बैक करके इसमें आपको नाउ प्लेइंग मतलब जो अभी गाना चल रहा है भाई वो वाला शो करेगा इसके अंदर। मैं आपको इसमें बैक करके दिखा देता हूँ फ़ोन में जैसे आपने जो डिक्शनरी वगैरह है वो सारी इसके अंदर शो कर देगा, हिस्ट्री, फेवरेट, कॉन्टैक्ट, कीवर्ड और सेलेक्ट डिवाइस का। अब बैक चल के ऐप्स में चलते हैं। ऐप का वो मैंने आपको बताया था कि अपने जो टोयोटा की ऐप है उसको डाल करके काफ़ी सारे फीचर्स का आप यूज़ कर सकते हो। अगला है ऑप्शन इन्फो का, इन्फो के अंदर आपका एवरेज स्पीड आफ्टर स्टार्ट मतलब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कितनी स्पीड चली, एलिप्स टाइम, क्रूज रेंज मतलब बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर शो करता है। कोई इतना ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा तामझाम से आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर से। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो एक डिस्प्ले का बटन भी दिखेगा, मैंने डिस्प्ले का बटन प्रेस करता हूँ देन कैमरा, देन आप यहाँ से कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज कर सकते हो।
और जनरल के अंदर भी यही सेम है। इसमें जैसे कैमरे का क्या था, मैं इसको रिवर्स गियर में डालूंगा तो उस कैमरे की क्या ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट चाहते हो, और डिस्प्ले जो जनरल है उसकी क्या ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट चाहते हो, इसके अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगला है सेटअप का। सेटअप के अंदर भाई प्रेस करते हैं, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाएगी, जनरल, ब्लूटूथ, ऑडियो, फोन, वॉइस। तो एक एक करके मैं सभी को कवर कर देता हूँ भाई। सिस्टम टाइम में अपना जो टाइम है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, अपना इंडिया का GMT वो 5.5 घंटे कुछ रहते ना वो भाई यहाँ पे था। कस्टमाइज होम स्क्रीन, होम स्क्रीन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो भाई, क्या लगाना चाहते हो, विच इन्फॉर्मेशन डू यू वांट टू सी ऑन डिस्प्ले, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, जैसे होम बटन प्रेस किया तो इसके अंदर आप कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, इको की, फोन की, ऑडियो की, मतलब लेआउट भी आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। प्रोजेक्शन सेटिंग, एप्पल कार प्ले, मतलब प्रोजेक्शन जैसे किया भी बोलती है ना फोन प्रोजेक्शन, वो एप्पल कार प्ले और जो एंड्रॉयड ऑटो है उसी को बोलती है, और ये भी उसी तरीके से ही इसमें है। बीप, जैसे ये टूट कर रहा है, मैं बार बार कुछ भी वो ऑन एंड, जैसे कुछ भी बटन प्रेस कर रहा हूँ तो बार बार आवाज़ कर रहा है बीप की, तो वो उसको आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। थीम भाई, इसके अंदर आपको थीम भी मिल जाती है, ये ब्लू कलर की थीम है, इसके अंदर आप जैसे मैं ये लगा देता हूँ ब्लैक कलर की, ये देखो भाई ये इस तरीके से होगी। तो भाई ये थोड़ा सा ना धूप में जाके आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, डार्क में रहोगे तो ठीक रहेगा, ज़्यादा धूप में गए तो आपको थोड़ा सा ये अजीब सा लगेगा। बाकी देखने में जैसे डार्क मोड आ चुका है आईफोन में, उसी तरीके से इसके अंदर दिया हुआ है। अगला ऑप्शन है अपना ब्लूटूथ का। रजिस्टर्ड डिवाइस, मतलब जो जो अपने रजिस्टर्ड हो रखे हैं, ऐड न्यू डिवाइस, रिमूव डिवाइस और डिटेल सेटिंग। अगला ऑप्शन है ऑडियो का। ऑडियो के अंदर आपका, मैं आपको एक एक खोल के दिखा देता हूँ, कॉमन ये वाला है, इसके अंदर डिस्प्ले कवर अलर्ट, इसको आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। स्क्रीन फॉर्मेट को भी आप यहाँ से नॉर्मल, जैसे नॉर्मल फॉर्मेट। अगला है डिस्प्ले। अब उससे अगले ऑप्शन के अंदर चलता हूँ मैं भाई, फोन के अंदर। अब यहाँ पे कनेक्ट फोन, इसको मैं प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ, तो जो ये मेरा फ़ोन है वो भाई यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पहले से, जो दूसरा फ़ोन है, और यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, मतलब और किसी फ़ोन को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एंड डिस्प्ले भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इनकमिंग कॉल डिस्प्ले फुल स्क्रीन में आए, या फिर ड्रॉप डाउन, जैसे ड्रॉप डाउन होता है उस तरीके से आए तो उसको भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है भाई कॉन्टैक्ट एंड कॉल हिस्ट्री, वो सारी आपके भाई कैसे जैसे रहते हैं ना शॉर्ट कॉन्टैक्ट, मतलब किस नेम से लेने चाहते हैं, फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी क्या है, बिल्कुल ईजिली आप इसको यूज़ कर पाओगे। वॉइस के अंदर ये हो गया भाई। अगला अपना व्हीकल के अंदर चलते हैं, टोयोटा पार्क असिस्ट को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वॉल्यूम है भाई, किस लेवल पे आप वॉल्यूम चाहते हो, 1, 2 एंड 3, इसके अंदर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। अगला है वाईफाई का, देन स्मार्ट डिवाइस लिंक, इसमें भी आपको बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये मिलती है। अब भाई मैं दोबारा से इसका मेन्यू बटन प्रेस कर देता हूँ, जैसे मैंने ये थीम बदल दी तो ये वाली भाई कुछ इतनी देखने में अच्छी नहीं लग रही, जो पहले वाली थीम थी वो आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब मैं क्या करता हूँ भाई, आपको इसकी साउंड क्वालिटी और चेक करा देता हूँ, क्योंकि गाड़ी आप लेते हो और इतने रुपये पे करते हो तो इसके अंदर आपको कैसी साउंड क्वालिटी मिलती है। तो भाई मैं अपना गाना प्ले कर देता हूँ, और जैसे कंट्रोल्स हैं जो म्यूजिक सिस्टम के, वो आपको इसके स्टेयरिंग व्हील पे मिल जाते हैं, प्लस माइनस और ये ट्रैक चेंज करने के लिए, मोड का, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का, फोन पिक करने के लिए, फोन कट करने के लिए, मोड चेंज हो जाए भाई। अब आपने इसके म्यूजिक सिस्टम की तो आवाज़ सुन ली भाई, काफ़ी ज़्यादा लाजवाब थी। अब मैं आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें जो सारे कंट्रोल्स हैं भाई वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। पहले आप इसका स्टीयरिंग व्हील देख लो भाई, लाजवाब आपको स्टीयरिंग व्हील लगने वाला है। हर जगह जैसे पकड़ोगे स्टीयरिंग व्हील को तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस फील होने वाली है, पर जैसे आप ये वाला पार्ट देखोगे इसका, ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो भाई इसकी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी। सब कुछ है ना लोग में, डिजिटल में कुछ भी नहीं मिलता है, तो सभी के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, और जो क्रूज़ कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिलता है। पैडल शिफ्टर भी आपको ऑटोमेटिक में अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको फटाफट से भाई एक एक करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन शो कर देता हूँ।
तो मैं आपको यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो मैं कंट्रोल्स है अप डाउन का यहाँ से कर रहा हूँ, रोके करने के लिए, बैक करने के लिए, और ये वाला इस तरीके से। तो सबसे पहले भाई आई बटन पे चलते हैं अपना भाई। ये अपना जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है, करंट कितने लीटर पे कितने किलोमीटर चल रही है, ये आपकी रेंज, रीसेट, बिल्कुल जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, आफ्टर मतलब आपने कितनी देर गाड़ी को ड्राइव किया वो आई बटन में इसमें शो करेगा। इको, इंडिकेटर, स्टार्ट, क्रूज, ये अगला जो म्यूजिक है, जैसे मैंने वहाँ पे गाना प्ले कर रखा था कार्टून ऑन एंड ऑन, तो वो आपको यहाँ पे देखो शो कर रहा है, इसके अंदर दिखा रहा है भाई कौन सा गाना इसके अंदर चल रहा था। तो गाड़ी चलाते वक्त भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत बनेगी, बार बार आपको इस साइड मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। अगली भाई सेटिंग के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले भाई व्हीकल सेटिंग के अंदर चलते हैं। इसके अंदर आपको जो जो पीछे का टेलगेट है, इलेक्ट्रिक टेलगेट, वो यहाँ से आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और जो इंजन स्टार्ट स्टॉप है, जैसे ये वाला स्विच की बात नहीं कर रहा मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसको यहाँ से ऑन एंड ऑफ वाले सिस्टम वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगली सेटिंग में चलते हैं भाई, व्हीकल सेटिंग, देन स्टार्ट स्टॉप, ये दो ही ऑप्शन थे इसके अंदर। अब मीटर कस्टमाइजेशन, इसके अंदर भी काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, यूनिट, इको, स्विच सेटिंग, पॉपअप कलर, और यहाँ पे कलर। मैं कलर को आपको खोल के दिखा देता हूँ कौन कौन से कलर हैं इसके अंदर। ये हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया ना, तो वो देखो आपको यहाँ पे चेंज हो गया। मैं रेड कर देता हूँ तो यहाँ पे रेड हो गया। देखो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ये देखो मैं इसको ब्लू करता हूँ, तो आपका यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से चेंज हो जाएगा। तो भाई इसका जो कंट्रोल से भाई जो थीम आ रही है इधर उधर से खुल खुल के, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये लग रही है। इको शेविंग में आपको जो प्लीज़ एंटर, अच्छा फ्यूल प्राइस भी इसके अंदर दिया हुआ है भाई, अपना एंटर कर लेने यहाँ पे करेंसी आप एडजस्ट करके, जो भी जिस भी कंट्री में आप देख रहे हो। तो भाई इसके अंदर इंडिया में तो खैर ये है, और बाहर की कंट्री में भाई क्या पता कौन सा क्या सिस्टम आ रहा हो। तो गाइज ये था एक कंप्लीट वीडियो आपका म्यूजिक सिस्टम के ऊपर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको गाइज वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। टेक केयर एंड बाय बाय।